राम राम जी, स्वागत है आपका हमारे जीनवाल फैमिली ब्लॉग में। तो फ्रेंड कैसे हो आप सब? और ब्लॉग में आज बहुत दिन में बना रही हूँ, क्योंकि जो अब तक ब्लॉग डले हैं वो डले हैं प्रोग्राम के, तो उन्हें देखिए जाके, जिन्होंने नहीं देखा, और जिन्होंने नहीं देखा वो लाइक और फॉलो भी करो, सब्सक्राइब भी करो चैनल को। और लेट जाओ, लेट जाओ, जाओ अभी टाइम है, मैं उठा दूंगी, जो है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:45, सॉरी। और पूजा उठ चुकी है, पूजा उठ गई है सुबह 6 बजे। पूजा ने उठ के खाना बना लिया है, मैं जा रही हूँ बाहर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पूजा को, फिर आपको पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड, दिखाती हूँ पूजा क्या कर रही है। पूजा कर रही है, बना रही है खाना, सुबह सुबह उठ गई वो, 6 बजे की उठ गई है। 6 बजे उठी, सब्जी काट रही थी। हाँ जी, हाँ जल्दी उठने, मम्मी मैं तो काम नहीं है, छोटी वाली गैस खराब हो गई है, एक ही गैस पे सब्जी बननी थी, मम्मी की भी बननी थी अलग और हमारी भी बननी थी, तो मुझे इसलिए जल्दी उठना था। सुन रहे मम्मी का कप लिया ना फ्रेंड, हम नई चीज का ब्लॉग बनाया नहीं है ज्यादा, मम्मी की तबीयत ठीक हो चुकी है, मम्मी घर पे भी आ गई है, मम्मी की तबीयत ठीक हो गई है और बारिश हो रही है बहुत ज्यादा। सागर जी बता रहे हैं दूध लेके आए, सागर जी सागर जी दिखाना, ठीक है। हमारे यहाँ एकदम काला हो रहा है मौसम, बारिश पूरी रात बारिश पड़ी है, पूरी रात है ना, एकदम ऐसा लग रहा है रात हो रही है। और फ्रेंड देखो ये बना रही है पूजा मम्मी की सब्जी, मटर और सोयाबीन का चूरा, और इसमें बन रही है बन गई है हमारी सब्जी, गाजर मटर आलू, तो है ना फ्रेंड। और मैंने आटा गूंद दिया है, आटा गूंद के मैं चाय पीने गई थी, और पता क्या फ्रेंड, अब मम्मी की तबीयत हो गई बिल्कुल, मतलब बिल्कुल तो नहीं, हाँ अभी उनकी थोड़ी सी परेशानी, तो अभी वो बेड पे ही है, लेकिन अब पहले से सही है, नहीं पूजा पहले से सही है। और ये देखो रात के बर्तन अब लाए रोटी खा के, अरे पंखा चला रहा है, मजा आ रहा है काको, सुनो क्यों भाई इतने ठंडो रे, बारिश पड़ रही है मम्मी। अरे एक पे चलाया होगा उन्होंने थोड़े बहुत, बीबी 3 पे चला रखा, अब बंद कर रहा हूँ। मम्मी की रोटी का टिफिन तो लिया आते हैं, अब तो ऐसे में जाओ फिर चाय भी दे मेरी मम्मी का मुंह धुलवा दो फटाफट, और रोटी का टिफिन भी ला दो, उनका पानी चला जाएगा, रोटी का टिफिन ला दो, धुलेगा वो। अरे वो उठ गई क्या मम्मी? उसका नहीं करेगा हैं, रोटी का टिफिन ला देना मम्मी का, धुलेगा वो। अभी राशन आया हमारे पास, अरे रोटी का टिफिन, अरे मम्मी का भैया। फ्रेंड मेरी बात ना पूरी नहीं हो पा रही, पता है क्या, मम्मी की ना तबीयत ज्यादा खराब थी, तो हम उस चीज का होपलेस हो गए थे सब, क्योंकि उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, और इतना दिमाग में नहीं आता भाई इन चीजों का, हम लोग बनाए सही बताए, हाँ अगर बगल भी लोग बनाने भी लगे ना तो सभी हो गएंगे, बताओ इसकी इतनी तबीयत खराब है, ये वीडियो बना रहे हैं, पहली बार तो अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता है ना, तो उस चीज का हमने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, और मम्मी आ गई थी उस चीज का भी हमने ब्लॉग नहीं बनाया, लेकिन हाँ अब घर पे आ गई है, अब हम आपको दिखा देंगे एक बार, और मम्मी को पहले से आराम भी है, आप लोग भी टेंशन ना लेना, ठीक है, आराम है जब भी हम आपको से बात कर पा रहे हैं, तो बस उनको डॉक्टर ने परहेज बताया, परहेज करो कुछ नहीं, बस मम्मी का थोड़ा शुगर और बीपी बढ़ जाता है ना, उससे तबीयत खराब हो जाती है उनकी, लेकिन अब सही है, बस मम्मी का खाने पीने का ध्यान रखना है उनका, तो वो चीज हम कर ही रहे हैं तीनों। राम राम, गुड मॉर्निंग। आज तो पूरे बजे में उठी है, हाँ पूजा कह रही इसके कमर में दर्द हो रहा, कोई ना आज आराम कर लेगी, मैं पानी भर लूं, इतने उठेगी वो, आराम है ये, पहनती भी तो ना नीचे पजामी वगैरह, सोता है ना रात से, बहुत रो रहा रो रहा बहुत रो रहा
मालिश भी करी मैंने, देखे सिखाई भी कर कई बार। कल खाना बैठा रहा ठंड में, वो जब वो ऐसा पता क्या करेगी, बाबू को तो उठा लाएगी ना, बाबू का कम्बल होगा ना, जुराब होगी ना, टोपा होगी, अपना हो अपना भी ना हो भाई, ना क्या अपना भी नहीं करते, बस ऐसे उठा के ले आती उसे। अब सो रो, आज हम सोच रहे थे, पूजा कह रही थी आज मम्मी को नहला देंगे क्योंकि बहुत दिन हो गए, लेकिन बाहर नहला के पूजा अंदर ही नहला के बैठा था। ठंड तो है लेकिन उनको अजीब सा लग रहा था, वो ना हीटर जला के बिठा दिया अंदर ही नहला दिया, इतने ठंड हो रही है इधर। मैं बन गई हूँ रोटी बनाने के लिए, वैसे तो गैस साफ हो जाती है सुबह सुबह सारी, काम बहुत होता है गैस पे, फिर मैं रोटी बनाने से पहले एक बार साफ करती हूँ सारी, अब मैं रोटी में लग रही हूँ, और हो सकता था मम्मी को दिखाई दे रही है क्योंकि मम्मी ना पता क्या थोड़ा बुरा तो नहीं मानती लेकिन वो कहते मुझे अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मुझे थोड़ा ही दिखा पाएंगे, कोशिश करेंगे हमने पहले के जमाने के लोगों को पता है कैसे होते थे, इस वजह से हाँ अपने मूड में होंगे तो पूरी नाचेंगी, तुमने को डोर नाचेगी बस हम कहती है बीबी ऐसी है बिना गाने के नाचे, हाँ बीबी की आएगी मम्मी वो तो चुप्पी ना रहती है, कल नीचे नाच रहे खड़े हो बिना गाने के चुप्पी ना निकाल पाऊंगे और देखिए फ्रेंड कितनी बार मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे मुझे बहुत दुख होता है, स्कूल जाएंगे दिखा मम्मी के लिए बनी अंडे की भुजिया सोयाबीन, मैंने हाथ हाथ धो लिया है, मैं लगती हूँ अपने रोटे बनाने के लिए, बढ़िया ना देख लो रोटी कितने अच्छे आएंगे, आलन बता रहे आलन ही बोलते हैं सब्जी को, आलन बताइए आलन में बना मैंने तुम्हारे यहाँ बोलते है ना गाँव में, मम्मी कितना गाँव में जब पढ़ाई लिखाई आ एक दो तुम्हें किसने उठा दिया जन्म पत्र गई जन्म तिथि नहीं सही कह रहे बात तो जब कहते हैं बस हाल मालूम पजेब नहीं होती पजेब देखो ये ऐसे जाओ मैं ड्यूटी ये बात नोट करी ना इन्होंने कहीं ने एक बार दिखा एक बार दिखा आप तो सही है थोड़े से यो यो मुंह धुलता ना ना शेर ने कभी मुंह धोया मौसम होगा बिल्कुल मौसम तुमने क्या बोला तूने मौसम की मजे तो कल ले लिया तुमने कैसा मेरा मतलब चाय पकौड़े खाए थे कल इन्होंने बनवा के सबके सोच गलत नहीं होगी क्या बताए थोड़ा सा चार बजे चलते थे ऐसे मौसम में नींद कहाँ आ रही है 3 बजे तो सुबह 3 बजे तो मैं लैटिन कर रहा हूँ अब पेट ऐसा साफ होने क्या बात करता है यार कैसे लग रहा है आपको आलस आ रहा है आलस क्यों बहुत गंदा वाला आलस आ रहा है क्यों आ रहा है ठंड हो रही है मन कर रहा है बिस्तर में दबा जाओ देखो फ्रेंड ये इन्हें ये बीमार नहीं होंगी तो क्या नहीं होंगी ये शाम रात दिल्ली के लिए 4 बजे कौन सोता है सबका उठने का टाइम होता है सोने का टाइम किसका 4 बजे होता है जरा कमेंट करके बताओ हम लोग ये बीमार नहीं होंगी तो क्या नहीं होंगी ये 4 बजे सोती है 4 बजे कोई सोने का टाइम है दिल निकलता है 4 बजे तो पूरी रात
गभी तो ये बीमार रहती है। अब तो उन्हें बता रही हूँ, शिकायत लगा रही है या तो मेरे को जता रही है, समझा रही है। फोन चलाते रहते हैं, देखते रहती हैं। फोन नहीं चला रही थी, इतना नहीं देखते। सुबह 4 बजे तक तो टीवी देख रहे होंगे, इससे ज्यादा क्या करते हैं। इधर उधर करवट ले रही थी, ये देख रहे थे। तुम बताओ, मौसम अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छा। 10-11 बजे के सोने वाले, उठने वाले सुबह। बारिश हो रही थी रात में। बारिश बहुत ठंडा मौसम हो रहा, पौधे दे दे, बहुत काला जा रहा है। आज मैं नई डिश बना रही हूँ, ब्रेड कचूरा है ना, तो ये रात की रोटी बच रही है ना सारी। हाँ। सारी मैंने देसी घी में फ्राई कर ली अच्छी तरीके से। हाँ। और ये मैंने पीस ली। हाँ। हलिया को मैं बनाऊंगी हलवा। बासी रोटी जी है ना भाई, क्यों वेस्ट कर रहा है। देखियो कैसे लगेगा चूरमा। देखियो बीबी कैसे उंगली चाट चाट के खांकी दे दे। थोड़ी बना रही हूँ आज मैं, पहले नई चीज थोड़ी बनानी चाहिए। नहीं बीबी चलो बना लो, फिर हमें दिखाना। दिखाना नहीं, खिलाना। सोना बनाना, सोना तो जी। मैंने बना दिया है हलवा, जो रात की रोटी रखी थी उसका हलवा बनना है। और अभी खा के बताएंगे कैसा बना, प्रिया भी खाएगी, सब खाएंगे। अभी बताते हैं कैसा बना है, ठीक है। प्रिया कैसा लगा? एकदम बढ़िया बनना एकदम। हाँ, मम्मी कैसा लग रहा है? बढ़िया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बस एक ही दिक्कत हो गई कि हम रोटी में ना नमक था, थोड़ा नमक का स्वाद आ रहा है। जब भी अच्छा लग रहा है ना दीदी। हाँ अच्छा लग रहा है मेरे को भी। फ्रेंड सोने के लिए कर रहा है, इसे नहला के पहले हम सुलाते हैं। हाँ। फिर अपने काम में लगेंगे, सारा काम पड़ा हुआ है सारा। बस मम्मी के कपड़े वपड़े चेंज करके, मम्मी की चद्दर वद्दर चेंज करके आए। अभी सोने के लिए कर रहा है, इसे नहला दे, फिर एक साथ ही सो जाएगा ये। रानी सोचती है मैं काम से बच के इसे ले लेती हूँ, और इतनी चिल्लाएगी पूजा यार प्रिया इसे ले। फिर इसे आखिर काम में लगना पड़ता है बाबू को देख के। बहुत मुश्किल काम है भैया यार, ये चुप नहीं होता, पूजा के पास ही चुप होता है। नहाने के लिए रो रहा है, ये नहला दूं मैं, चलो।